गंगा वर्सेस मंगा। सहबहु पार्ट वन। एक गांव में सुंदरम्मा नाम की औरत रहती थी। उनको दो बहुएं थी, बड़ी बहू वंदना, छोटी बहू नंदिनी। सुंदरम्मा घर की सबसे बड़ी थी। वो जैसे कहती थी सभी लोग वैसे ही करते थे। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन सुंदरम्मा हॉल में बैठकर नंदिनी नंदिनी ऐसे जोर से बुला रही थी। नंदिनी सास के पास आकर, हाँ सासू माँ बोलिए, क्या चाहिए? तुम्हारी बहन कहाँ है? मेरी बहन तो अपने ससुराल में है। चुप कर, मैं तुम्हारी सगी बहन की नहीं तुम्हारी सबहू की बात कर रही हूँ। वो तो घर पर ही है, बुलाऊं क्या? नहीं, जाने दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है, अंदर दवाई है वो ले आओ। जी। ऐसे कहकर अंदर चली गई। उसके अंदर जाते ही वंदना चाय का कप ले आकर, सासू माँ ये चाय लीजिए। मैंने तो चाय नहीं मांगी। आपके सर में दर्द हो रहा था ना सासू माँ, दवाई कैसे लेंगी, इसलिए चाय बनाकर लाई हूँ, बोलकर दे दी। वो चाय लेकर सुंदर अम्मा धीरे से हंसकर पी रही थी। तभी नंदिनी आकर, सासू माँ दवाई नहीं चाहिए, चाय मिल गई मुझे। हाँ देगी, क्यों नहीं देगी, बगल में रहकर सब कुछ सुनकर देगी, ऐसे मन में सोच रही थी। तभी वंदना, हाँ वैसे भी तुमसे कोई काम नहीं होता, ऐसे सोच रही थी। ऐसे बाहर से सबहु हंसते हंसाते रहते, पर अंदर से बहुत ही गुस्सा, ईर्ष्या और नफरत भरी हुई थी। किसी को पता ना चले इसलिए घर पर ऐसे नाटक करते। ऐसे दिन बीत रहे थे। एक दिन एक सन्यासी उनके घर के सामने आकर, अम्मा थोड़ा खाना मिलेगा क्या? घर में आकर बैठ जाओ स्वामी। मुझे नहीं चाहिए। तो किसे चाहिए? ये देखिए, मेरे साथ के इस कुत्ते के लिए चाहिए। कुत्ते को? हाँ माँ जी, कल से इसने कुछ भी नहीं खाया है। जी स्वामी। ऐसे कहकर अंदर जाकर एक थाल में खाना लाकर कुत्ते के सामने रख दिया। उस कुत्ते ने सारा खाना खा लिया। कुत्ते के खाना खाते ही सन्यासी वहाँ से जाते हुए, उस थाल को धोना नहीं, ऐसे ही ले जाकर घर के पीछे रख दीजिए, ऐसे कहता है। वो बात सुनकर सुंदर अम्मा, क्यों स्वामी? गाड़ कर एक हफ्ते बाद देखिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक एक हफ्ते बाद उसे निकाल के देखिएगा, उससे पहले नहीं निकालना। ऐसे कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही सुंदर अम्मा अंदर जाकर, इस सन्यासी ने ऐसा क्यों कहा मुझसे, ऐसे सोचकर अंदर जा रही थी। तभी नंदिनी बाहर आकर, सासू माँ थाल लेकर कहाँ गई थी आप? इस थाल को जमीन में दफनाने बोला उस स्वामी ने। थाल को दफनाने बोला? क्यों सासू माँ, धन वन तो नहीं मिलेगा ऐसे करके? मुझे तो वही लगता है। हाँ सासू माँ, अभी हम इसे दफना देते हैं, एक हफ्ते बाद निकाल के देखेंगे, एक थाल से क्या फर्क पड़ता है। हाँ चलो दफना देते हैं। ऐसे तीनों घर के पीछे आकर छोटा सा खड्डा खोदकर थाल रखकर मिट्टी डाल देते हैं और फिर घर पे बैठकर सोचते हैं। हाँ हफ्ते बाद देखेंगे तो थाल शायद सोना हो जाएगा, अगर ऐसा होगा तो उस सोने से बड़ा सा हार बनाऊंगी मैं। ऐसे सोचती है। तभी वंदना, उस सन्यासी ने क्यों दफनाने बोला होगा, सच में थाल से धन या सोना मिलेगा क्या? ऐसे सोचती है। दोनों बहुओं को देखकर सुंदर अम्मा, ये लोग तो उसका क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ अभी से ही सोच रहे हैं, अभी तो कुछ पता भी नहीं है, ऐसे मन में सोचती है। तभी सुंदर अम्मा का पति नारायण आकर तीनों को सोचता हुआ देखकर, ये क्या तीनों मिलकर क्या सोच रहे हैं, मेरी फिर से शादी तो नहीं करवा रहे। वो बात सुनकर दोनों बहुएं हंस रही थी और सुंदर अम्मा चिढ़कर, हाँ दूसरी बीवी की ही कमी है आपको अभी। तो फिर इतना गहराई से क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं ससुर जी, आज घर के बाहर एक सन्यासी आकर, ऐसे सब कुछ बताती है। सब सुनने के बाद नारायणा चौंक कर, अच्छा ऐसा कुछ नहीं है बेटा, वो हमारा पागल बना रहा है, एक हफ्ते बाद निकाल कर देखना,
मिट्टी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे किसी पर भी भरोसा नहीं करते, ये फालतू बातें हैं। ऐसा क्यों सोच रहे हैं ससुर जी? पागल बनाना होता तो घर आकर कुछ भी कहकर चला जाता। एक हफ्ते तक रुकने क्यों बोला उसने, सोचिए जरा। हे भगवान, वो सन्यासी गांव जाना छोड़कर यहाँ क्या क्या बोलकर चला गया? वही सोचते बैठे हो तुम लोग? जाओ जाकर मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आओ, जाओ जल्दी। ऐसे कहते हैं वंदना वहां से उठकर, ले आती हूँ ससुर जी। ऐसे कहकर वहां से चली गई। ऐसे सास बहुएं हफ्ता कब बीतेगा, कब उस गड्ढे को खोदेंगे, इस इंतजार में थे। देखते ही देखते हफ्ता बीत गया। आठवें दिन पर सास बहुएं गड्ढे के पास जाकर, सासू माँ हफ्ता बीत गया ना, खोदे क्या? खोदने के लिए तो आए हैं, तू जाकर पारा और रंबा ले आ। सब कुछ तैयार है सासू माँ। ऐसे बोलते ही सुंदर अम्मा के बेटे वासु, विष्णु और उनके पति नारायण आकर, माँ क्या कर रहे हैं आप लोग? तुम्हारी बीवी ने नहीं बताया? बताया था, लेकिन आप लोग इतनी आशा से करेंगे नहीं लगा था। अगर उसमें कुछ नहीं होगा तो आप लोगों का क्या होगा, सोच कर ही डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, तुम लोग यहाँ आकर ये गड्ढा खोदो, आओ। जी माँ। ऐसे कहकर गड्ढा खोद रहे थे। सास बहुएं बहुत उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। दोनों भाई मिलकर गड्ढा खोद रहे थे। उसमें दफनाए हुए थाल में मिट्टी लगी हुई देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। मैंने कहा था ना, कुछ नहीं मिलेगा, दफनाए हुए थाल में सिर्फ मिट्टी ही मिलेगी। ऐसे कहकर सभी लोग नाराज हो गए। वासु उस थाल को लेकर मिट्टी साफ कर रहा था। उस थाल में छापे दिखाई दिए। वो देखकर, माँ इस थाल में इससे पहले कोई छाप था क्या? नहीं तो? अभी है माँ। ऐसे कहता है। वो बात सुनकर सभी लोग फिर से चौंक गए। उस थाल में कौन से छापे हैं? इससे दोनों बहुओं ने क्या हासिल किया है, अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चाचा टीवी। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक दिन चंद्रकांतम आईपीएल देखने के लिए बहुत ही आशा से रिमोट पकड़कर टीवी के सामने बैठी हुई थी। ओह, कितने दिन हो गए हैं आईपीएल के लिए वेट करते हुए, इंतजार खत्म हुआ। सोचती हुई टीवी देख रही थी। चेन्नई टीम धोनी बैटिंग कर रहा था। अरे वो देखो, धोनी भैया आ गए, आज तुम सेंचुरी मारोगे और मैं देखूंगी। सोचते हुए बहुत ही एक्साइटमेंट से टीवी देख रही थी। उतने में अचानक बिजली चली जाती है। इस बिजली को भी अभी जाना था। अच्छे से धोनी भैया सेंचुरी मारेंगे तो देखना चाहती थी। उतने में उसे एक आइडिया आता है। तुरंत सो रही सूर्यकांतम के पास जाकर, सासू माँ, मेरी प्यारी सासू माँ, धीरे से बुलाती है। सूर्यकांतम के न उठने पर जोर से चिल्लाती है, सासुमा, ओ सासुमा, जोर से चिल्लाती है। जोर से चिल्लाते ही चंद्रकांतम की बात सुनकर, आसमान टूट गया है क्या जो इतने जोर से चिल्लाई तू? कुछ नहीं सासुमा, आपको कुछ चाहिए क्या, ये पूछने के लिए आई थी। ऐसे क्यों शर्मा रही हो, पहले तुम्हें क्या चाहिए बताओ। आईपीएल मैच देख रही थी कि उतने में ही बिजली चली गई। तो इसमें मैं क्या करूँ, तुम्हारे सामने खड़े होकर आईपीएल मैच खेलूं क्या? चिढ़ते हुए कहती है, इतनी मदद नहीं चाहिए मुझे, बस बिजली आ जाए ऐसा करिए सासुमा। अरे मैं क्या करंट ऑफिसर हूँ जो बिजली जाने पर बिजली ले आऊं? आपको मैजिक आता है ना, उस मैजिक से कुछ ऐसा करिए कि बिजली आ जाए प्लीज सासुमा। मैजिक मतलब हर चीज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, अच्छे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अभी आपने जो वीडियो देखा उसे पूरा देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक बॉक्स पर क्लिक कीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा, तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।